दुर्ग पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लोन दिलाने के नाम पर झांसा देने वाले आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग पुलिस ने बताया इन्होंने अभी तक 300 से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था और ये लोग लोन दिलाने के नाम पर लोगों से 2000 से 6000 रुपये वसूला किया करते थे। दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इसी मामले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ देखिए इस वीडियो में। एक दो तीन ये सब वाइट कॉलर्ड क्रिमिनल्स हैं। पहले होते थे ना वाइट कॉलर्ड क्रिमिनल्स। क्यों भाई ये संज्ञा कैसी लगी? वाइट कॉलर बहुत खुश लग रहे हो। शादी वादी हुई या नहीं हुई? पत्नी को बताया इस तरह काम करते हो? नौकरी करने आए थे तो ये ठगी का काम कैसे शुरू कर दिए? हम लोगों से एप्लीकेशन ले रहे थे और एप्लीकेशन लेते टाइम ही उनको बता रहे थे कि अगर आपका लोन नहीं होता है किसी कारण। जी बताओ लोन देने का पावर किसके पास है? बैंक के पास है। तो आप बैंक से आपने परमिशन दिया था? सर एक लाइसेंस बनता है घूम के लोगों से पैसा लेने का, कुछ आपका लाइसेंस था नगर निगम का? नहीं सर। तो फिर आप अपने आप कुछ भी शुरू कर दोगे? कोई देश का नियम आपके लागू नहीं होता? आप भाई आप क्या काम करते थे? डॉक्यूमेंट बनवा लिए हो? अरे भाई ऐसे लोन लेना पता है ये उसमें आता है एक किस धारा में आपको परमिशन है ऐसे लोगों से पैसे लेने का? लोन डिपॉजिट लेने का पावर कैसे है आपको? किस धारा में लिया है आपने? अब बैंक हो गया कैसे? कौन यूज करते? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन होता है जना। वैसे नहीं हर आदमी एजेंट बन गया, जो इंस्टीट्यूशन होता है वो देता है ये DSA का, ये जो LIC देती है बैंक देती है। आपने किससे लिया हो एजेंट का अपने वो पात्रता? हमारे कागज की कार्रवाई हो चुकी थी, थोड़ा सा ही बचा था। अरे कौन सी कार्रवाई? क्या कागज दिखाओ जरा, कौन सा कागज दे रहे हैं ये? उद्यम से। अरे भैया उद्यम पैसा लेने के लिए नहीं होता है, उद्यमी वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होता है। मुझे कहानी सुना रहे हो? ये तो धोखाधड़ी करते हो इतने लोगों से, इनका सबका पैसा वापस कर रहे हो? कितना पैसा? 8 लाख रुपए? और डाटा तो सब लेंगे ही भाई, सबको वापस तो करना ही पड़ेगा, बिना लाइसेंस के ये काम कर रहे हो। और आप भाई कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो सर कानपुर का रहने वाला हूँ। बट कानपुर यहाँ कब आए? कानपुर से मैं अभी एक्चुअली मैं स्टडी की थी। कब यहाँ कब आए? लास्ट मंथ आया था। तो सर थाने को इन्फॉर्म किया आपने? मुसाफिर दर्ज कराए? दर्ज किए। कानपुर से आए हो, इंदौर से आए हो, और यहाँ कहाँ रहे थे तुम? स्मृति नगर में। क्या रेंट पे रह रहे थे? कहाँ रह रहे थे तुम? स्मृति नगर में। कहाँ पे स्मृति नगर में? स्मृति नगर में स्ट्रीट नंबर 4 पे, थोड़ा सा चौकी। तो कितने भाड़े पे लिए? 4000 रुपये रूम का रेंट था। नोटिस दे दिए सबको? नोटिस दे दिए? ऐसे बाहरी लोगों को जाके रखते हैं, वो थाने को सूचना नहीं देते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तुम्हारा? पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था? अरे भाई तो बहुत तेज हो, तो उद्यमी हो तो क्या मुझे बेवकूफ बना दोगे तुम? पुलिस जहाँ जाओगे रिकॉर्ड तुम्हारे साथ रहेगा। और आप भाई इंदौर से कब आए यहाँ? क्या बोल के लाए आप? ये आपको लाए कि आप खुद आए? प्लान इनका था कि बिजनेस कर सकते हैं, मैं सर्च करने आया हूँ। मेरी वाइफ भी यही है, मेरे बच्चे भी यही है। ऑफिस वगैरह देख ली, ऑफिस वगैरह सेटअप करा, बाकी के DSA जैसे काम करते हैं उनसे समझा, उसके बाद में इधर काम चालू कर दिया। तो पैसे लिए जा रहे हो किस, कहाँ लोन दिलाना है वो कुछ पता नहीं है? पैसा ऐसा नहीं है सर, हम लोगों के पास कोई कंप्लेन करने अभी तक आया ही नहीं है। भाई कोई कंप्लेंट? जब 6000 ले 3-4000 लोग हो जाते मोती वाला की तरह, मेरे ऑफिस में टूट पड़ते ना सब, तब मालूम चलता मुझे। और भाई आप क्या कर रहे थे? था 2 महीने घर पे बैठा हुआ था, मेरे पास जॉब नहीं थी। मेरा बात हुआ कि जॉब कहीं पे मुझे क्यों बताओ
कितने दिन में तुम लोगों ने इतने 800 लोगों को घेरा? 800 नहीं सर, 850 सर। 300 शिकायतें आ गई हमारे पास भाई। ऑलरेडी रिकॉर्ड है हमारे पास पूरा। रिकॉर्ड तो सर है। 380 के अराउंड। हाँ? ये कटी हुई रिसिप्ट कटी है। 346 तो रिसिप्ट कट गई है। 346 काट लिया तुम लोगों? कितने दिन में काटा? सर पैसा नहीं आया कुछ। कितने दिन में काटा? कितने दिन में काटा पूछ रहा हूँ, ध्यान मत दो मुझे। 23 मार्च से। बताओ 20 दिन में तुमने 300 लोगों को घेर लिया, अरे ये 2-3 महीने और रह जाते, बढ़ता जाता नया ये मोतीमाला पाटू हो जाता। तुम लोगों को क्या दुर्ग पुलिस को बिल्कुल हल्के में लेते हो क्या? नहीं सर, कोई भी आए लोगों का 2-3 हजार लिए जा रहे हो फिर? सर काम करने के लिए आए और कल से ही बोला था कि सुख तकलीफ हो हम पैसा देने के लिए रेडी है। ये देखे जरा लिफ्ट के ऊपर कैसे छिपे हुए महान। देखो 2000 जनाब, ये लिफ्ट के ऊपर आप लोगों ने आसमानी ख्याल करने क्यों निकल गए थे आप लोग? नहीं आप ही लोग हो या कोई भूत है आपका? और हम सकल है जो मूवी में जैसे दिखाते हैं वैसा है क्या? सर हम लोग नॉर्मल जैसे ऑफिस जा रहे थे वैसे ऑफिस जा रहे थे। ओहो लिफ्ट के ऊपर चढ़ के ऑफिस जाते हो? एकदम से चार गाड़ी आ गई सर डिपार्टमेंट की, हम तो ऑफिस में ही थे। अरे भैया वहाँ से गिर जाते तो मेरे ऊपर 304 कायम हो जाता ऐसे तुम लोग। लेकिन पहले कोई जिम में वहाँ कोई इसमें काम किया हो क्या? ये कौन है ये तीनों? ये बीच वाला ये मास्टरमाइंड भाई। ये आइडिया कहाँ से आया सुपर आइडिया? यदि गलती ही नहीं किए तो ये सब कारनामे की क्या आवश्यकता थी? अरे डिपार्टमेंट से डर होता तो खुलेआम ऐसे काम करते, 346 रिसिप्ट कार्ड देते, इतने आधार कार्ड इतने पैन कार्ड जमा कर लेते। और पता है किसी के डॉक्यूमेंट लेना भी ऐसे अलाउड नहीं है। डॉक्यूमेंट वही लोग रख सकते हैं जिनका लाइसेंस होता है। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये लोगों का आइडेंटिटी है। कल को इसी को बेच दिए होते तो कितने लोगों का नुकसान हो जाता है। तुम लोग कोई नियम कानून जानते नहीं हो और सीधा काम में लग जाते हो कुछ भी धोखाधड़ी के काम में। ऐसे ही वो थे मोतीमाला वाले, वो भी उद्यमी ही थे। वो डेली कबूतर उड़ाते थे 150 1.5 लाख का कबूतर। सर ये काम कैसे बना सर, इनका तैयारी कहाँ से हुई? ये है ना ये उद्यमी थे ये लोग, तो सोचे कि क्या फिर प्लान किसका था? ये आपका क्या प्लान था? डीएसए से टच में थे तो उन्होंने बोला कि आप डीएसए कौन जो सेलिंग एजेंट रहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते नहीं है, डीएसए तो एक पद है। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसी कंपनी का होता है। तो किसी कंपनी को अप्रोच किया आपने कि खुद ही बन गए डीएसए? कल को आप खुद को डॉक्टर डिक्लेयर कर दोगे, उसके बाद कल को आप आर्किटेक्ट डिक्लेयर कर दोगे? ऐसे नहीं होता भाई, ये काउंसिल होती है उससे डिग्री मिलती है। ऐसा थोड़ी है जो चाहे डीएसए बन जाए। डीएसए ऑथराइज होते हैं कंपनी के, जो उस कंपनी के सेलिंग एजेंट होते हैं, कमीशन मिलता है 2% 3%। कहाँ है रूलॉन्स? कौन सा रूलॉन्स? वो तो रोलॉन्स जो है ना बेचारे लोग रोल रोल करते रहते हैं, उसके बाद तुम लोग तो रफू चक्कर हो जाते हैं, कोई इंदौर कोई कानपुर। आप कानपुर जाते हैं, आप इंदौर जाते हैं, आप इंदौर निकल जाते हैं। हाँ वही तो है, पुलिस ढूंढती रहती है इंदौर और कानपुर। आज टिकट हो गई थी क्या चीज? टिकट एक्टिव हो गई थी जाने को वापस। टिकट एक्टिव हो गई थी? किस टिकट? टिकट कहाँ से वापस जाने की? इससे या इससे? छुप छुप ट्रेन से। यहाँ लोगों का बर्थडे बना के निकल जाते हैं हम लोग। मैं तो फैमिली से ऑलरेडी रह रहा हूँ सर। समझ रहा हूँ मैं। फैमिली क्या चाहते हो, पूरी फैमिली पैकेट में जेल जाओगे क्या? नहीं सर, जैसा किए हो वैसा भुगतना पड़ेगा ना। बिना ऑथराइजेशन के, बिना सर्टिफिकेट के, बिना ये के डिपॉजिट लेना अलाउड ही नहीं है, ठीक है? वो भी फाइनेंशियल चीज में, वो भी आप ये लिख रहे हो लोन जो है फ्री लोन मिलेगा। ये आपने किसी कंपनी से बात की, आपने खुद ही डिसाइड कर लिया ऐसा जो लिखा है? बिना आय प्रमाण के, बिना ग्राहकों को मुफ्त ऋण संबंधी मदद एवं सलाह एक ही आवेदन से पाएं कई सारे ऋण के प्रस्ताव। तो ये सब जो बिना आय प्रमाण के और बिना इसके जो लोन दिलाने का है, ये RBI के डायरेक्शन है कि आप लोग अपने डायरेक्शन है? खुद ही RBI हो गए हो आप लोग। बिना प्रमाण के सर, उन लोग जो कंपनी उसमें उनका ऐसा था
कि अगर आपको सैलरी स्लिप नहीं है तो भी लोन देते हैं। उसको ना कि जीरो सिविल पर लोन सुविधा, जीरो सिविल मतलब सर जिनके कभी लोन लिया ही नहीं उनका सिविल जीरो होता है। सर मैं समझ रहा हूँ बात में आपकी। चलो तो किसी को इतने लोगों ने किसी को लोन दिलाया आपने अभी तक? हाँ केवल 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार लेते गए, किसी को दिलाया एक को भी अभी तक? तो वो लोग आए नहीं पूछने के लिए कि जनाब हमारे 3 हज़ार ले लिए 2 हज़ार ले लिए, लोन कब मिलेगा? सर सभी से वादा था, वादा क्या था वादा? 18 दिन नगद नहीं हुआ आपका लोन किसी भी वजह से। हाँ तो सर आपको 2000 रुपये पर्ची तो 23 तारीख को शुरू किए हो तो 18 दिन हुए नहीं क्या? अभी आया नहीं सर, कोई आया ही नहीं। आता तो क्या करते हैं? वापस करो, अभी तो वापस देना ही पड़ेगा जनाब। सर पहला क्लाइंट कैसा है? नहीं ये तो काउंसलर बहुत अच्छे हैं ये लोग। अरे भाई हम लोगों को तो एक आदमी है, बाकी लोगों को मुश्किल आती है। तुम लोगों ने 10 दिन के अंदर ये 350 कस्टमर कैसे ढूंढ लिए? बातों में जादू तो है, देखो इसकी बातों में जादू तो है, जादूगर हो भाई आप। नहीं नहीं सर, मतलब यही तो कॉन्फिडेंस है कि इतने लोग फंसे हैं। सर अभी भी ये बोल रहे हैं कि लोन दिला देता है। अरे भैया कोई किसी कंपनी से इनका एग्रीमेंट ही नहीं है अभी तक, 3-3 हज़ार ले लिए बिना एग्रीमेंट के। आप भी ऐसी बात सोच, पैसा भी देंगे वापस आज के आज, आज के आज बिल्कुल। और उसके तो चुनाव लड़ लो यार आज के आज। उसके बाद लोन का जो प्रोसेस है प्रोसेस करेंगे, उसमें से 90% लोगों के लोन भी करा के देंगे, 10% अगर किसी कारणवश रिजेक्ट हुए तो उसका जवाब भी देंगे। देख रहे हो कॉन्फिडेंस, बिना किसी डिग्री, बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी ये के। कहाँ से दिलाओगे लोन, किस कंपनी का? हाँ चेक करो रू लोन्स कौन है, ये एक और ठग होगा रू लोन्स ठग लोन नाम रखो उसका, देखो कहाँ है ये ठग लोन्स। आप तो पता अभी पता करेंगे होगा यार। पहले किसी शहर में अपन चलाएंगे स्टार्टअप, नहीं दूर दूर के एक्सपेरिमेंटल लैब है ना, कोई भी मोतीमाला का करना है एक्सपेरिमेंट तो यहाँ कर लो, लोन का करना है तो यहाँ कर लो। क्यों भाई दुर्ग से इतना प्यार क्यों? इंदौर में क्यों नहीं कर लिए? सर इंदौर में क्या है कि सैलरी अकाउंट में आती है, और जो अकाउंट में सैलरी आती है उससे क्या है कि लोन के लिए वो उनको ऑलरेडी एप्लीकेशन आ जाते हैं बैंक से। तो यहाँ पे सैलरी किसमें आता है? यहाँ पे मैक्सिमम कैश होता है। तो भाई क्यों यहाँ कैश क्यों होता है? ये एक नया सर्वे है, यहाँ पे सर्वे किया है। अरे अरे सर्वे रिपोर्ट देगा, आगे आगे क्या क्या सर्वे किया आपने? ये सर्वे बता रहा है कि इंदौर में अकाउंट में पैसा आता है और यहाँ कैश में आता है। में क्या है इंदौर में जो भी है ना सभी लोगों का एक पर्टिकुलर, अगर 10,000 भी सैलरी है तो उनको पर्टिकुलर अकाउंट खुलता है, ओपन होता है पर्टिकुलर सैलरी अकाउंट होता है। उसके बाद सैलरी स्लिप मिलती है, TDS कटता है। यहाँ क्या होता है? TDS कटता है सर। और यहाँ क्या होता है तो सर यहाँ पे 90% ऐसा है कि मैनुअल सैलरी मिलती है, बाई कैश मिलती है, बाई कैश मिलता है। हमको तो मैनुअल, हम तो अभी आप पता करना पड़ेगा, हम लोग भी शामिल हैं। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP News को और बेल आइकन को दबाएं।